अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आइज ऑन ट्रेवल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इंग्लैंड से होटल एक लेके आ रहा हूँ, लंदन से, जो 5 स्टार होटल है। और अगर हम उसकी बात करें तो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है, तो मगर उसकी जो सर्विसेज हैं और उसका जो एरिया है दैट इज़ अनबिलीवेबल। और उसमें अगर हम बात करें तो किसी भी जगह पे एंटरटेनमेंट और खाने के लिए अगर बात करें तो उसके इर्द गिर्द सारी जो है वो चीज़ें पाई जाती हैं। इसी के साथ ही अगर हम होटल की बात करें तो 5 स्टार होटल है। दूसरा, उसमें जो करीब तरीन है वो इंग्लैंड के म्यूजियम्स हैं। उसके बाद वहाँ पर सेंट्रल पार्क है। इस एरिया में जो है वो काफ़ी लग्जरी चीज़ें भी और भी मौजूद हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपने ख्यालात का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आपके कमेंट जो हैं वो बड़े वैल्यूएबल हैं और वो एक बड़ी अहमियत रखते हैं मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए और मेरे लिए डेफिनेटली। और दूसरा जो है वो मुझे लाजमी आप बताया करें अपनी वीडियो में कि इस वीडियो के मुतालिक बताया करें कि ये वीडियो जो है वो किस तरह की है और आपको किस तरह की नेक्स्ट जो है वो किस होटल पे वीडियो चाहिए, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और मैं जी नाज़रीन, मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ और मैं जो है वो होटल को पिक्चर्स आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। होटल की 5 स्टार होटल है जिसका नाम डब्ल्यू लंदन है। ये होटल के रिव्यूज़ इंतहाई बेहतरीन है, 8.6 इसके रिव्यूज़ हैं और 5 स्टार होटल की कैटेगरी है। और 5 स्टार होटल में जो रिव्यूज़ हैं वो 7.7 से लेके 9.7 तक जो है वो रिव्यूज़ होते हैं उसके ना, तो ये जो है ये 8.6 जो है एक्सीलेंट रेशियो में फॉल करता है। यहाँ के लोग जो हैं वो बड़े खुश यहाँ से लोग जाते हैं इस होटल से। और इसकी पिक्चर जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये इसकी बिल्डिंग है, इसी तरह ही ये इसका रूम है, बड़ा ही खूबसूरत इंटीरियर के साथ। और ये जो है ये भी बहुत औसम है, मुकम्मल रूम उसने जो है वो दिखाया है और बड़ा रूम है इसका। तो इससे जो अगर हम लोग रिव्यूज़ की तरफ आए तो गेस्ट ने जो है वो इसको पसंद किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और इसी तरह ही द प्रॉपर्टी इज़ इन द बेस्ट प्लेस इन ऑल ऑफ सेंट्रल लंडन। ये सेंट्रल लंदन में जो है वो पाया जाता है और नदरलैंड से भी, माल्टा से लोगों ने इसे बहुत ज़बरदस्त रेट किया है और पसंद किया गया काफ़ी ज़्यादा। 747 बंदों ने इसे रिव्यू किया। तो इसके प्राइसेस देखते हैं, चेक करते हैं कि ये पाकिस्तानी रुपीज़ में हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है। लंदन से 11 सितंबर से 14 सितंबर तक की मैंने इसके अवेलेबिलिटी ली 2 पर्सन 1 रूम के लिए। तो इसने जो है वो मुझे फेयर प्रोवाइड किया है जी। ये जो प्रोवाइड कर रहे हैं जी, मोस्ट पॉपुलर फैसिलिटीज़ में हमें नॉन स्मोकिंग रूम प्रोवाइड कर रहा है, स्पा प्रोवाइड कर रहा है, फैसिलिटीज़ फॉर डिसेबल्ड गेस्ट है, फिटनेस सेंटर है, रूम सर्विस है, फ्री वाईफाई है, रेस्टोरेंट है, टी और कॉफ़ी मेकर इन ऑल रूम्स है, बार है, एक छोटी सी मिनी बार है वो इन्होंने जो है वो दी हुई है, और गुड ब्रेकफास्ट जो है ये प्रोवाइड करते हैं। अब इसने जो हमें 3 नाइट का फेयर दिया है और रूम के बारे में बताया, तो उसने वो कहा है जी, वंडरफुल रूम, लो फ्लोर, गेस्ट रूम, 1 किंग बेड। एक किंग बेड के साथ जो है वो आपको वंडरफुल रूम देगा, जो हमने एक पिक्चर में देखा है बड़ा रूम वो हमें प्रोवाइड करेगा। और इसके जो प्राइस हैं वो 5,92,936 रुपये हैं, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस एंड फीस। ये तमाम फीसेज, तमाम टैक्सेस एंड चार्जेस इसमें शामिल हैं और ये ऑलमोस्ट 5,52,936 रुपये बन रहे हैं। और इसमें जो है गुड गुड ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं है। अगर आपने ब्रेकफास्ट इंक्लूड करना है 9,694 रुपये जो है वो आपको देना पड़ेंगे पर पर्सन, यानी 18,000 समथिंग, 19,100 या 200 रुपये बनेंगे। होटल इज़ नॉन रिफंडेबल है, वंस आपने इसे बुक कर लिया सो आपके कोई भी पैसे वापस नहीं करेगा। पे इन एडवांस है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पे इन एडवांस, पे इन एडवांस उस चीज़ को कहते हैं कि ये आपसे पहले ही पेमेंट ले लेगा, लेट्स से कि अभी आप इसे डिजर्व करते हैं, देन ये आपके जो है क्रेडिट या डेबिट कार्ड को अभी से ही चार्ज करेगा और करने के बाद जो है ये आपका जो है पैसे डिडक्ट करके और होटल को प्रोवाइड कर देगा, यानी पे इन एडवांस का ये मतलब हुआ। ओनली 2 रूम्स लेफ्ट ऑन आर साइड, ये ग्रैब करने के लिए कस्टमर्स को होता है किसी भी
ये वेबसाइट का एक फिनोमिना है कि वो अपने कस्टमर को ग्रैब करती है। उसके लिए जाहिर बात है कोई बंदा जो है वो जिस तरह मैं आपके सामने स्पीच कर रहा हूँ या बात कर रहा हूँ, तो इस तरह कोई मोटिवेट करने वाली चीज़ होती नहीं है। देन वो फिर जो है वो आपको ये लिख देते हैं, ओनली टू रूम्स, वन रूम, फाइव रूम्स लेफ्ट ऑन आर साइट, ये लिखा जाता है। सो ऐसा जैसी बात नहीं होती है, अगर आप 2-3 दिन बाद इसे चेक करेंगे तो ये फिर भी अवेलेबल होगा। और ये अगर होटल ना हो तो इसकी अवेलेबिलिटी किसी और होटल के इक्वलेंट भी ली जा सकती है 5 स्टार में। इसे सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ से, जिस तरह मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट रूम, और आई विल रिजर्व पे जो है वो क्लिक करेंगे। ये सिटी व्यू प्रोवाइड करेगा हमें, एयर कंडीशनर जो है वो प्रोवाइड करेगा, और अटैच बाथरूम जो है वो हमें देगा, यानी शेयर बाथरूम नहीं है, अटैच बाथरूम होगा। रूम के साथ ही जो बाथ बाथ होता है वो प्रोवाइड करेगा। सो फॉर 3 नाइट्स ये जो है हमें लेफ्ट साइड पे दोबारा से बता रहा है कि 5 स्टार होटल है, डब्ल्यू लंडन उसका नाम है, और ये लोकेशन पे वाकया है, एक्सीलेंट इसके रिव्यूज़ हैं, और रेस्टोरेंट इसमें जो है वो मौजूद है, होटल में फ्री वाईफाई है, और ये जो है पेट फ्रेंडली है। अगर आप कोई जानवर लेके जाना चाहें तो इसे कोई एतराज़ भी नहीं है जी। अब ये टोटल 5,92,935 रुपये का पड़ेगा, और नीचे आए तो इसे इसने जो है वो जो भी टैक्सेस हैं वो सारे के सारे बता दिए हैं कि 98,822 रुपये इसका वैट और अदर फीसिस हैं जो कि इसने ऑलरेडी इंक्लूड इसमें की हैं। इसको बुक कैसे करेंगे, बुकिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपने अपनी डिटेल जो है वो एंटर करनी है। मेरा नाम हसनैन अली है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम पे हसनैन लिखूंगा, लास्ट नेम पे अली लिखूंगा। अगर आपका जो है लास्ट नेम नहीं है, सिर्फ ओनली सर नेम है अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट, तो आप जो यहाँ पर जो है वो अपनी वल्दियत लिखेंगे कि जी ये वल्दियत जो है वो दी जाएगी लास्ट नेम पे। देन वो जो है वो फिर आपको चेक करेगा और वहाँ पे ग्रीन मार्क कर देगा, और ग्रीन मार्क करने के बाद आपको इजाज़त देगी कि आप आगे ईमेल एड्रेस जो है वो प्रोवाइड कर दें। आपने ईमेल एड्रेस पे ईमेल एड्रेस अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस लिखना है, ये दिस इज ओनली फॉर माई बुकिंग पर्पजेज, ये जो है ईमेल एड्रेस यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस देने के बाद एड्रेस जो है वो अपना लिखना है, आप जहाँ पे रहते हैं वो आपने एड्रेस यहाँ प्रोवाइड करना है। जिस तरह मैं लाहौर से हूँ और लाहौर जो है वो मैं लिखूंगा, इसी तरह सिटी जो है वो मैं लिखूंगा यहाँ पे, इसी तरह पाकिस्तान रीजन जो है वो मैं सेलेक्ट करूंगा कंट्री में, और टेलीफोन नंबर यहाँ पे अपना प्रोवाइड करूंगा, पर्सनल टेलीफोन नंबर। ये जो एरिया है ये इम्पोर्टेंट है, ये एरिया इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप जो है वो डिस्क्राइब करेंगे कि या मैं आ रहा हूँ या मेरी जगह कोई और आ रहा है, कि बुकिंग मैं कर रहा हूँ, पैसे मेरे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से जा रहे हैं, पर रहेगा यहाँ पे कोई और। सो यहाँ पे जो है आई एम द मेन गेस्ट अगर करेंगे तो ये देखें नीचे कोई चेंज नहीं आया यहाँ पे, और अगर यहाँ पे आई एम लुकिंग फॉर समवन एल्स आएगा तो यहाँ पे देखिए गेस्ट नेम आ गया और गेस्ट ईमेल एड्रेस जो है वो उसने ऑप्शन में मांग लिया। तो यहाँ पे आई एम द मेन गेस्ट के साथ मैं जाऊँगा, और फिर जो है इसमें ये कहूँगा कि आगे जाऊँगा तो ये कहेगा आर यू ट्रेवलिंग फॉर वर्क, इफ यू आर ट्रेवलिंग फॉर वर्क देन क्लिक येस, अदरवाइज नो। वंडरफुल रूम, लो फ्लोर, गेस्ट रूम, वन किंग बेड, नॉन रिफंडेबल, टू अडल्ट के लिए है, एक्सेप्शनली क्लीन रूम, 8.9 इसकी जो है वो रेटिंग है। इसी तरह फुल गेस्ट नेम पे हसनैन अली आ गया। आप कार अगर इंटरनेशनल लाइसेंस है तो कार रेंट पे आप ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं मिलेगी। शटल सर्विस चाहिए या नहीं चाहिए, दिस इज योर चॉइस टैक्सी की, और यहाँ पे अगर आपके पास कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है देन यू कैन टाइप हेयर। यहाँ पे जो है अराइवल टाइम आप प्रोवाइड करेंगे, 2 बजे का चेक इन है। अगर आप 10 से 11 पहुँच रहे हैं सुबह मॉर्निंग में, यहाँ पे चेक इन सॉरी 3 बजे का है। अगर आप मॉर्निंग 10 से 11 बजे के दरमियान पहुँच रहे हैं तो आप यहाँ पे देंगे ताकि वो आपको एडजस्ट कर सके। फाइनल डिटेल पे हम लोग क्लिक करते हैं, फाइनल डिटेल पे क्लिक करने के बाद वो हमें अगले पेज पे ले जाएगा। लेफ्ट साइड पे सेम बुकिंग वैसे ही आएगी, आइटिनरी सारी शो करेगा वो जिस तरह पहले उसने पेज पे की थी, और क्रेडेंशियल मांगेगा। क्रेडेंशियल मांगने के बाद आपने क्रेडेंशियल पे करेंगे और वो आपके बैंक से जो है प्रोसेसिंग करेगा और चार्ज करके आपको वाउचर बना के दे देगा। न्यू कार्ड, पेपाल, गूगल प्ले, गूगल पे। अब हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, देन हम लोग वी विल गो विद क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। यहाँ पे कार्ड नंबर प्रोवाइड करेंगे, एक्सपायरी डेट देंगे, सीवीसी देंगे। ये कार्ड के बैक साइड पे 3 डिजिट्स जो है वो होते हैं इसके, तो उसको सीवीसी कहते हैं, वो प्रोवाइड करना है। उसके बाद कंप्लीट बुकिंग पे करना है। जो ही आप कंप्लीट बुकिंग पे क्लिक करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो ही आप जो है वो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड दे के इसे फाइनल करेंगे, कंप्लीट बुकिंग पे क्लिक करेंगे,
तो ये आपको वाउचर जो है वो जनरेट करके दे देगा, आपको वाउचर बना के दे देगा। वाउचर पे आपको रेफरेंस आईडी एक प्रोवाइड की जाएगी और एक जो है वो होटल आईडी प्रोवाइड की जाएगी। आपने उसी प्रिंट को जो है वो प्रिंट आउट करना है, और प्रिंट आउट करने के बाद आपने जो है उसको अपने डॉक्यूमेंट से लिफ्ट कर लेना है, और वो ही प्रिंट आउट जो है वो अपने मुतलका होटल में जाके आपने दिखाना है, देन आपको वो जो है वो अकोमोडेट कर देंगे उसी वक्त। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।